ऑल सेट, बट हाँ ठीक है, एंगल सही होना चाहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. और फिर से इंट्रो का दिक्कत आएगी, बट ठीक है, इट्स ओके। रेड कलर कितना सही लग रहा है यार। ऑलराइट, सांस ले लूँ थोड़ी सी मैं पहले। तो गाइस, आज का जो वीडियो है, पहले तो हेलो जी, सत श्री अकाल, माय नेम इज मीत कौर। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्वागत। और अगर आप मेरे से ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हो तो उसके लिए भी धन्यवाद, स्वागत। तो आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो में बने रहो, क्योंकि 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 ये वीडियो जो है प्यारा से क्यूट सा हुडी पहन रखा है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो आज का जो वीडियो बनाने का पर्पस है, पहले तो मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ कि आज का वीडियो क्यों बनाया जा रहा है। क्योंकि क्योंकि मेरे जो हमारी YouTube फैमिली है, वो 1000K नहीं, भगवान, सुबह सुबह इतनी अच्छी बात मेरे मुंह से निकली, 1000K, वाह 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 वाह। बट 1000K नहीं हुई है, 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं, ये थैंक यू सो मच गाइस। ये वीडियो सिर्फ बनाने का एक थोड़ा सा मेरा मन भर गया, मतलब मन मतलब ऐसे होता है ना, थोड़ा सा इमोशनल टाइप सा वैसा हो गया। 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, 2021 में ही हो गए थे, मतलब ये एंड होते होते हो गए थे। बट मुझे ये वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा था, बट मैंने सोचा था कि मैं ऐसे नहीं आप लोगों को स्टोरी या फिर स्टेटस लगा के या कम्युनिटी टैब में डाल के थैंक यू नहीं बोलना चाहती हूँ। आई नो दिस इज़ बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 1000 सब्सक्राइबर होना कोई बड़ी, मतलब अगर दूसरे यूट्यूबर्स के लिए देखा कि उनका तो एक या दो दिन या एक दिन भी हो जाता होगा, एक घंटे भी हो जाता होगा, बट मुझे 1K सब्सक्राइबर, मतलब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट करने में 1.5 साल लगाए गाइज। यस, 1.5 साल। मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये मैंने ना अपना वो यूट्यूब का जो है ना वो खोल रखा है स्टूडियो, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपनी जो फर्स्ट वीडियो डाली थी वो डाली थी 19 जुलाई 2020 में, और ये मैंने चैनल लॉकडाउन के दौरान स्टार्ट किया। और यूट्यूब और नेटफ्लिक्स के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था, हम लोग थोड़ा सा रनिंग कर लेते थे, वर्कआउट कर लेते, होम वर्कआउट कर लेते थे। तो मेरा वही पर्पस था कि थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, प्लीज़ थोड़ा सा आज के लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं ना बहुत बहुत दिनों से भरी बैठी हुई थी कि यार मुझे सबको बताना है, कि मतलब जो एटलीस्ट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो मुझे आप लोगों को थैंक यू बोलना था, प्लस मुझे आप लोगों को बताना था कि लास्ट 1.5 साल से जो मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं सबको अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कुछ फैमिली वाले भी हैं, कुछ अननोन लोग हैं जो मुझसे जुड़े हैं, और उन सबका मैं, मतलब आप सबका मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्योंकि मैं बता नहीं सकती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे 100 सब्सक्राइबर भी होंगे, और आज 1000 हो गए हैं, मतलब आज नहीं, बहुत पहले हो गए थे, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, 1019 सब्सक्राइबर, मतलब ये 19 से 20 हो जाता है, 21 हो जाता है। आई नो ये आप लोगों के लिए या किसी और जो यूट्यूबर है उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी, बट मेरे लिए एक सब्सक्राइबर भी डेली का बढ़ना ना, इट्स लाइक इतनी बड़ी वाली खुशी हो जाती है मुझे कि अरे यार आज एक सब्सक्राइबर बढ़ गया। और ये जो बात है ना, आज पूरी दिल से निकल रही, मतलब कोई ये देखो, मैंने डायरी भी ली है कि अब मैं ना लिखना स्टार्ट करूँगी, तो मैंने थैंक यू 2022 यही लिख रखा है अभी तक। और अब मैं अपना जो भी है, अब इस साल का जो भी मैं प्लान करूँगी, वो सब मैं इस डायरी में नोट करती रहा करूँगी, क्योंकि जो अभी तक मैं ज़्यादा इस यूट्यूब पर काम नहीं कर पा रही थी, बट अब मैं, हाँ फॉर श्योर कि अब मैं सब लिख कर बिल्कुल ईमानदारी से अच्छे से काम करूँगी। तो यस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं पहले। ओके, यूट्यूब की जो जर्नी है, आई नो मैं
अगेन वही बोल रही हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार कैसी क्या मतलब क्या है, 1000 सब्सक्राइबर हुए और इतना इतना रही है, बट नो गाइज, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब जिस दिन लोहड़ी थी आई थिंक उस दिन मैंने ये कहा भी था कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए, और मैंने व्लॉग भी डाला था कि हाँ आज मतलब मेरे सब्सक्राइबर 1K हो गए हैं करके। तो उस दिन मैंने सोचा था कि यार ये ऐसा वीडियो बना के डालूं, बट इसे बैठकर आप लोगों से बात करनी थी, मतलब इट्स लाइक कि मेरे दिल की सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको चाय कॉफ़ी या कुछ लेकर या पानी पीकर, या फिर मैं पानी की बॉटल लेके साथ में बैठती हूँ हमेशा, जैसा कि मैं हमेशा पुरानी वीडियो में भी बताती हूँ कि मैं पानी की बॉटल लेके बैठती हूँ बीच में, हाँ जो जिसने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, तो हम लोगों के लिए इसे दो चीज़ हुआ करती थी, एक नेटफ्लिक्स एक यूट्यूब, मेरे लिए तो नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब, क्योंकि मैं उतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, तो मैं यूट्यूब से देख देख के कुछ ना कुछ सीखती रहती थी कि हाँ चलो जलेबी बना लेते हैं आज, ये बना लेते हैं वो बना लेते हैं। तो मैं ऐसी स्टोरीज़ इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी स्टोरीज़ डालती रहती थी, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ, कि चलो यूट्यूब पे ही बना लेती, मेरी एक फ्रेंड ने बोला भी था कि यार तू इंस्टाग्राम पे डालती रहती है तो यूट्यूब भी स्टार्ट कर दे, यूट्यूब पे भी बना। सारा घर मतलब सबके घरों में काम चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन को लेकर हो गया, सारी आवाज़ें आएगी साथ में, हालांकि मैं बहुत शांति से बैठी हूँ कि यार कहीं से शोर वोर ना आए, बट फिर भी अगर आती है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना और मेरी बात पे थोड़ा सा गौर करना कि मैं क्या कह रही हूँ। थक जाती हूँ तो थोड़ा सा पेशेंस रखना इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। तो जो फैमिली वाले होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे, उनको पता होगा कि मेरा पहले बुटीक था, तो आप लोगों को भी बता देती हूँ, अब आप भी मेरी फैमिली हो, तो पहले मेरा बुटीक था, तो अच्छा लकली ये हुआ कि मैंने 19 के दिसंबर में ख़त्म कर दिया था, क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन जाने लग गया था, तो मैंने बोला ज़्यादा इसको स्ट्रेच करने से बेटर है इसको स्टॉप कर दिया जाए तो मेरा वो बंद हो गया था। उसके बाद मार्च में तो ये लॉकडाउन लग ही गया था ना, 20 के उसमें तो कोरोना भाई साहब तब से आ ही गए थे। तो मुद्दे पे वापस आते हैं, से अगर कोई पूछता है, और मैं बिल्कुल प्राउड होके बोलती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरी वीडियो देखता है या नहीं देखता, परिवार वाले देखते हैं या नहीं देखते हैं, कोई देखता है या नहीं देखता, पसंद करता है या नहीं करता है, बट जो मेरे सब्सक्राइबर हैं अगर वो मुझे बिल्कुल बोलते हैं कि नहीं आप दी, मतलब मुझे दीदी लोग बोलते हैं कि दीदी आप ऐसा करा करो, दीदी ये क्या होता है, तो मुझे जब कमेंट्स आते हैं ना इतने अच्छे अच्छे, या फिर थोड़े बहुत ऐसे वैसे भी आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ नहीं यार मैं आप लोगों से कनेक्ट हूँ, कि कहीं ना कहीं जो मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे बनावटी बनना नहीं आता है, मुझे बनावटी चीज़ें दिखानी नहीं आती है। मतलब मुझे चिटचैट करने में इतना मज़ा आ रहा है ना, अगर आप लोगों को मेरी ऐसी सिटिंग वाली और ऐसी चिटचैट वाली वीडियोस पसंद आती है, और या पसंद आई है ये वाली भी अगर मैं डालूंगी तो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना, मैं और बनाऊंगी। मतलब जिस चीज़ से मुझे बेसिकली ये चीज़ है कि जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो मैं मतलब पहले भी शेयर किए, अभी भी शेयर कर रही हूँ, और आने वाले टाइम में भी शेयर करूँगी। तो अगर ये ऐसे ही रैंडमली आप लोगों के पास वीडियो आ गया है, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी चैलेंजेस लेती रहती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है, जो पुरानी वीडियोज़ अगर आप मेरी उठा के देखोगे तो मैंने हर टाइम एक चैलेंज लिया था। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो थैंक यू यूट्यूब, मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि यूट्यूब की वजह से मैंने इतना अच्छा अच्छा खाना बनाना सीखा था, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मुझे तुम अगर करना चाहते हो तो अच्छी चीज़ें आप अपनी जॉब के साथ भी कर सकते हो, बिना जॉब के भी कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली आपका इंटरेस्ट क्या है, आप उसके हिसाब से, थोड़ा तो इंटरेस्ट होना पड़ता है इस भाई, एक एक जो सब्सक्राइबर है ना, बूंद बूंद मतलब जो बोलते हैं ना घड़ा बूंद बूंद करके भरता है, तो वैसी ही वैल्यू मुझे है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरे सब्सक्राइबर कितने होंगे क्या होंगे, मैंने बोला नहीं यार मीत करते हैं, ये तो मैं करूँगी और ये मैं करके ही रहूँगी, मेरा मतलब ये था कि मुझे करना है तो करना ही है। तो ये वाले एटीट्यूड के साथ अगर आप किसी भी काम में घुसोगे ना तो कर डालोगे, जैसे कि मैं चैलेंज में अपने बताती हूँ, फिटनेस से रिलेटेड हो गया, डाइट से रिलेटेड हो गया, या फिर कोई और चीज़ से रिलेटेड हो गया, अगर मैं एक बार उसमें घुस जाती हूँ ना तो मैं 100% वाला एटीट्यूड रहता है कि नहीं यार कर सकते हैं।
तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। ये कोई बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, YouTube फ्री है बिल्कुल। टू हो गया आपको, अगर बने रहना है, लगे रहो, बनाते रहो, करते रहो, काम करते रहो। ये जो चीज़ अब मैंने सीखी है कि मुझे काम करना है और मेरा बिल्कुल फोकस्ड है, और आने वाले टाइम पे भी मैं अपनी वापस से फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। नहीं तो वर्कआउट नहीं करना, अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है कि आप वर्कआउट छोड़ के ही कंसीव कर सकते हो या फिर जो भी है। तो हाँ, ये है कि मुझे दो बार प्रॉब्लम हो चुकी है कंसीव होने में, कंसीव होकर, और वो आगे डेवलप नहीं हुआ था। तो हो सकता है, आई डोंट नो, मैं इस बारे में इस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी दुखती नस बोलते ना कि ये दुखती, दिस इज़ माय वीक पॉइंट, ये बोल सकते, दिस इज़ माय वीक पॉइंट, तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो हाँ, ऐसा कुछ कुछ था। तो फैमिली वालों ने बोला था, घर वालों ने बोला था, मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। मैं वर्कआउट मैंने छोड़ दिया था हैवी, और मैं थोड़ा बहुत वॉक कर लेती थी, स्ट्रेचिंग कर लेती थी, योगा कर लेती थी, दैट्स इट। इस मोटा मोटी बात ये है कि मैंने किसी से सजेशन मांगा था कि यूट्यूब करूं या नहीं करूं, उन्होंने मुझे सपोर्ट करने की बजाय उन्होंने मुझे सपोर्ट करने की बजाय मुझे बोला था कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो ऐसा करके, मतलब उनको ऐसा लगा। और मतलब ऐसे मैं बात करने जाऊंगी तो आई थिंक मैं दिन भर बात कर सकती हूँ, मेरे पास इतनी सारी बातें हैं ना। मुझे ये सलाह चाहिए थी कि आप लोगों को मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद आता है। पर्सन जो है ना, अगर मतलब मुझे चैलेंज मिलेगा तो मैं उस चैलेंज को पूरा कंप्लीट कर लूँगी, बाकी अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। मेरी आत्मा ही नहीं बोल रही कि बिस्तर से बाहर निकल ले, थोड़ा सा वॉक कर ले, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले, बस जो दिन भर में घर का काम हो जा रहा है हो जा रहा है, बाकी जो ज़िंदगी चल रही है ना ऐसी ही चल रही है। कोई बहुत ज़्यादा फिटनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं चल रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब मैं एक चैलेंज ले रही हूँ, 15 दिन का है वो, 15 दिन में मुझे थोड़ी आदत हो जाएगी। 15 दिन में वेट नहीं कम होता है, बट हाँ 15 दिन में आपको हैबिट हो जाएगी कि हाँ आप एक शेड्यूल में, आपका एक लाइफस्टाइल वाला जो शेड्यूल है, वापस एक ट्रैक पे, बोलते हैं ना एक ट्रैक पे आना, तो वो एक ट्रैक पे मैं आ जाऊँगी। तो किसी के लिए सोच रहे हैं, कभी किसके लिए सोच रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में कश्मकश चल रही थी, बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ कर ली है और मुझे बहुत मज़ा आया है। आज बिल्कुल एकदम खाली तो नहीं, वेली तो नहीं बैठी थी, बट हाँ इसके लिए, इस चिटचैट के लिए मुझे बहुत सारा समय निकालना था। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी ही बनी होगी, बस साथ ऐसी बना रहे और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे मुझ पर। तो आप लोगों को फिर से दिल से थैंक यू, और अब ऐसा नहीं हो कि भैया इसके 1K हो गए हैं तो अब हम लोग निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, टाटा बाय बाय कर लेते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करना, दिल टूट जाएगा मेरा। सेम वही, एक सब्सक्राइबर घटता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है यार आज मैंने क्या गलती कर दी, आज मैंने ऐसा क्या चीज़ डाल दी जो किसी को पसंद नहीं आई है, और वो बंदा मेरे से फैमिली से होता है ना, वो फैमिली ग्रुप होता है, उसमें से लेफ्ट हो जाता है, तो अपन सब विचार करते हैं, आपस में बातें करते हैं, ये वो बंदा लेफ्ट क्यों हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें, व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट क्यों हुआ था, वैसी मुझे फीलिंग आ जाती है एकदम से कि यार आज क्या हुआ था ऐसा जिसने मुझे अनफॉलो कर दिया, अनसब्सक्राइब कर दिया। तो ठीक है, लाइफ है, अप एंड डाउन होते रहते हैं, इस पे भी होते रहेंगे, बट हमारा मोटिव ये है कि खुश रहो, खुशियाँ बांटो। क्या बोल रही थी मैं, सॉरी मैं भूल गई मैं क्या बोलने वाली थी। ओके, तो आज की चिटर पिटर बो, पीछे से शोर चालू हो गया, जैसे ही मेरी वीडियो चालू होती है वो तरह से शोर चालू हो जाता है जिस, और अगली नई नई वीडियो के साथ जो भी मैं अपनी लाइफ में सीख रही हूँ वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले। हो सकता है आप लोगों को मुझसे हेल्प मिले, मुझे आपसे मिले, ऐसे ही चलता रहेगा जीवन। तो अगर आप लोगों भी मेरी कोई हेल्प करना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देते हैं। तो यही एक तरीका है आपस में कनेक्ट रहने का, राइट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई, बट अगर आपने अभी तक इतनी अंत तक अगर ये वीडियो देख ली है तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। सब्सक्राइबर करना कोई बड़ी
बात नहीं है, मतलब तुमने क्या ही उखाड़ लिया जीवन में कि 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो आप इतना आपने वीडियो ही बना डाली। बट हाँ मतलब आपने वीडियो ही बना डाली और इतना ज़्यादा आज के वीडियो के लिए मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाया है, जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर हैं, मैंने इन लोग आप सबके लिए ये वीडियो बनाया है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा था और आप लोगों का कितना सपोर्ट मिला, आप लोगों ने मुझे कितना सपोर्ट दिया आज तक, अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे हो, भले मैंने वीडियो डाली या नहीं डाली, जैसी भी डाली उस तरफ कैमरे के उस तरफ बैठे हो, आप सबके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आने वाले टाइम में आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हो या फिर आपके क्या प्लान्स हैं, आप वो भी मुझसे मतलब शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों को ऐसी वीडियो पसंद आएगी तो आप मुझे वो भी बताना, तो अपन आगे फिर वापस से बातचीत करेंगे और मज़े से बैठेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज के लिए इतना ही, और अब मुझे बहुत तेज भूख लगने लग गई है क्योंकि मैंने बिना खाना खाए बैठ गई थी वीडियो बनाने। तो बस इतना ही है, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मास्क लगा के रखो, ठीक है, लाइफ में ये भी ज़रूरी है, इन्जॉय भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, तो लाइफ में मज़े करते रहो। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय।